बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, आई होप, उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग भी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं कपड़े लेके आई हूँ डालने के लिए छत पे, पर छत पे तो छत पूरी गीली हो रही है। ये देखिए बादल पूरे काले हुए पड़े हैं, बारिश की बहुत संभावना है। अभी 4-5 दिन से तो बारिश हो ही रही है और भी मुझे लगता है बारिश होगी। मुझे नहीं लगता, मतलब फ़ोन में दिखा रहा है अभी 14-15 तारीख तक अभी बारिश होगी। करवा चौथ भी आने वाला, करवा चांद भी नहीं दिखेगा। पिछले साल का भी यही हाल था और इस साल भी यही हाल है। मैं कपड़े डाल दूँ फिर आपसे बातें करती हूँ। मैंने सारे कपड़े पसार दी, सब डाल दी रेंगनी पे। 4-5 दिन से कपड़े सूखे हैं, अभी पहले के कपड़े सूखे नहीं हैं और रोज़ नहाना धोना है ही। कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं, आधे कपड़े तो जो थोड़े से वो हुए थे, पानी निकल गया था उनका, वो मैंने नीचे ले जाके, पंखा भी तो नीचे चला रहे, गर्मी वो ठंडा हो गया मौसम, अमन को तो सिकुड़ के ऐसे ऐसे सूखता है। ठंडा मौसम हो ही गया है। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, 3-4 दिन के कपड़े, ना पोछा सूख रहा है ना पायदान, सारे पोछा भी ऐसी सब हैं, सारे कपड़े गीले हुए पड़े हैं। ये देखिए मेरा नया सूट मैंने फाड़ दी, इसके पापा और मेरी लड़ाई होगी, मैंने सूट ही फाड़ दी अपना। एक ये सूट फाड़ दी और एक और मेरा येलो कलर का सूट था, इसके पापा को ये ज़्यादा सूट पसंद आता था, कहते तो इसमें अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, पंजाबन लगती है, मैंने यही फाड़ दी जो उनकी पसंद का था। गुस्सा है मैंने अपना, ये जो उनकी पसंद का सूट था मैंने वही फाड़ दी। उन्होंने, उनको गुस्सा है, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, उन्होंने अपनी टी शर्ट फाड़ ली है। ये अब ये पोछा बन गया सब अच्छे सूट कपड़े। हमारी लड़ाई होती है ऐसी हो जाती है, तोड़ फोड़ मच जाता है घर में, सारा सामान टूट फूट जाता है। ये छत पे इतना कचरा मचा हुआ है, पता नहीं इनका घर कब बनेगा। 5 मंजिल बना लिए और घर कचरा का, अभी इनका लेंटर बाकी है, अभी और कचरा मचेगा, सारा गंद मच गया छत पे। छोड़ दे मन, टूट जाएगा, चोट लग जाएगी। मेरे पौधे की हालत देखिए, सब पौधे कितने गंदे हो गए, सब में मिट्टी रेत। ये घर बन रहा, सारे मेरे पौधे सत्यानाश हो गए। कोई बात नहीं, इनका घर बन जाए तो सारे पौधे मेरे अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। करेले में फूल आ रहे हैं क्या? करेला लगता फरेगा, कुछ भी फल नहीं देते ये पौधे। बैंगन खरीद के लगाई, वो भी नहीं इसमें फल लगा। मिर्ची लगाई, ना मिर्ची आई। फूल के पौधे ली, ना फूल आ रहे, कोई भी पौधे नहीं ढंग से लगते हैं, कोई तो फल देते ही नहीं है, बस लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं चुपचाप। देखिए हमारे पीछे का कितना वो नाला भर गया पानी, देखिए कहाँ तक आ गया, मतलब बाउंड्री पार कर जाएगी इस बार, पानी यहाँ तक आ गया। बारिश, जब बारिश होनी थी तब हुई नहीं और अब हो रही है, ठंड बढ़ गई है और हवा भी चल गई ठंडी ठंडी। घर में तो पंखा चलना ही बंद हो गया है। नाला तो पूरा भर गया है पूरा, और छठी मैया भी पूरी डूब गई हैं, पूरी डूब गई छठी मैया। छठ भी नज़दीक आ गया, पता नहीं पानी सूखेगा कि नहीं सूखेगा, और ये बाउंड्री भी पार होने वाली है पानी की।
पता नहीं ये कौन सा मौसम चल गया है, जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उस टाइम हुई नहीं, और अब हो रही है दिल्ली में बारिश। जून में बिल्कुल भी बारिश नहीं, इतनी गर्मी से हालत ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही थी, और बिल्कुल बारिश के लिए सब तरह से थे, एकदम तराई तराई सी मच रही थी, और जैसे तैसे गर्मी निकली। अब ये मौसम ठंडा मौसम आ रहा है तो इसमें बारिश आनी हो गई है, दिन मौसम बरसात हो रही है। अब तो देखिए अमन क्या कर रहा है, इतना ये बारिश हो रहा है कि स्कूल भी नहीं गया आज, स्कूल इसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई। ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही है, क्या कर रहा है अमन? बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा मौसम, ठंडी हवा, मस्त जुल्फे, मस्त हवाएं। बादल बन गया बारिश का, मजा आ जाए, आज तो बाढ़ आ जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ बाढ़ आ जाए ताकि तू स्कूल ना जाए। आज स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई अमन की, और फिर भी स्कूल वो बारिश सब जगह कीचड़ हो रखा है, बारिश आ रही थी सुबह से, तो फिर इसका जाना कैंसिल, कोई भी बच्चे नहीं गए यहाँ पे गली के। तोरी में लग रहा है फूल आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं फरेगा कि नहीं, ऊपर कहीं फर रहा होगा। ये देखिए मेरा अमन ऊपर देख रहा है पौधे, बाबू ठीक से चढ़ियो, उधर रख ले पैर, उधर वो उस पे, हाँ हाँ आराम से, वो ऊपर वो रहने दे जो उधर होगा ना, उधर जो दिखाई नहीं दे रहा है वो वाला इधर नीचे लटका दे। मैंने आपको अपने यहाँ का मौसम दिखा दी, फिर बारिश का मौसम बन गया है, बारिश ने तो आफत मचा दी है, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। कल ठंडा मौसम था, मैंने खिचड़ी बना ली थी, जो खिचड़ी बनाई थी जो मेरे को ठंडे मौसम में खिचड़ी बनाई, वो पेट भर ही नहीं रहा है हम लोगों का, मेरा और अमन का। अमन कह रहा है मम्मी क्या हो रहा है, मैं बार बार खाना खा रहा हूँ पेट क्यों नहीं भर रहा है। मेरे साथ भी यही हाल है, खा रही हूँ फिर पेट में गुड़ 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 चूहे कूदने लग रहे हैं। मैंने बोली ना जने ऐसा क्या हो रहा है, तो मैंने मम्मी को बताया मैंने आज खिचड़ी बनाई। मम्मी कही यार ठंडा मौसम है खिचड़ी क्यों बनाओ, जल्दी पच जाता है। मैंने बोली यही तो बात हो रही, भूख ही खत्म नहीं हो रही है, मैं एक पतीला खिचड़ी बना, दोनों माँ बेटे खा गए, वो पेट नहीं भर रहा है, दिमाग खराब हो रहा था। तो कहते हैं अब घर में कोई और होता ना, जैसे इसके पापा होते तो अच्छा बनाते भी, हम माँ बेटे क्या अपने लिए बनाए, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता अकेले खाने पीने का, पकौड़े बनाते नहीं तो ये बारिश का लुत्फ उठाते। अरे क्या बोलना था, हाँ पकौड़े सकौड़े बनाती मज़ा आ जाता, फिर अकेले में क्या बनाए, इसके पापा की ड्यूटी है, वो चले गए अपना काम करने, दूर कहीं उनका काम है, अब आएंगे साथ करवा चौथ पे आएंगे, वो भी छुट्टी मिलेगी तो आएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं आएंगे। और तो आज मैं जा रही हूँ अंडे बनाने, आज थोड़ा सब्जी भी नहीं मिल रही ना, वो बाजार लग नहीं रहा, अंडे बनाने जा रही हूँ, बाजार लग नहीं रहा कितने दिन से, कीचड़ हो रखा है, और आज अमन को स्कूल भी जाना था, आज मैं स्कूल भी नहीं भेज पाई अमन को, बारिश इतनी हो रही है कीचड़ में कौन भेजेगा, स्कूल ड्रेस पहन के जाएगा वही लिपट के गिर के आ जाएगा। मजा आ गया तो स्कूल नहीं गया तो, शैतान का दादा। पेपर आने वाले, तेरी मैडम ने मैसेज कर दी कि बच्चों को रोज भेजो, अब अक्टूबर से 17 छुट्टी दे रही थी और कह रही है कि अब रोज भेजो। छुट्टी का टाइम था, दशहरे का टाइम था, छुट्टी मिली थी, छुट्टी खत्म, पेपर स्टार्ट हो गए, पेपर अब करो जाना, 5-6 दिन का वो होगा, याद करवाएगी मैडम। तो मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने, मैंने भी ये अंडे उबाल ली हूँ, और बारिश तो फिर हो गई, कपड़े डाल के आ गई मैं ऊपर, मेरे कपड़े पता नहीं कब सूखे हैं, और घर भी ऐसा है कि ना इसमें पिंजरा है पूरा ये घर, ना इसमें एक हवा आती है ना धूप आती है, पता नहीं क्या है, मेरा टूटी किस्मत है सही। हाँ अपने पापा को बोल ना ये रूम खाली करके कहीं और चले, क्या करे हम लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे घर वाले ठीक रहते ना, मेरे सास ससुर, आजकल ना सब पैसे गए हैं, सब लालची,
ससुराल वाले हो चाहे कोई भी हो, सब पैसे के हैं रिश्तेदार। पैसे ना दो, अभी करवा चौथ आ गया और अभी तक मैंने कोई अपना सामान नहीं खरीदी। मेरे घर में आप लोग जानते ही हैं कि चोरी डकैती हो गई, सब सारा हमारा पैसा वैसा लूट के ले गए, पैसे से कुछ बचे ही नहीं है। मेरी सास ये नहीं सोच सकती चलो भाई वो कहते हैं चलो भाई उसके पास नहीं इतनी सारी साड़ियाँ भरी पड़ी हुई है, बेटियों को तो और छोटी बहू बड़ी बहू को लुटाती रहेगी और मेरे से मांगती रहेगी कि इसका पति तो बहुत दूर दूर जाता है काम करने, इसके पास बहुत पैसे हैं, पैसे तो क्या इन लोगों पर लुटाते रहो और ये लोग मुझे कुछ ना दे। ऐसे ऐसे रिश्तेदार होते हैं। अब मेरे से उम्मीद लगा के बैठी होगी कि इस बार करवा चौथ पे दूंगी, इस बार तो मैं कुछ नहीं देने वाली, मैं अपने लिए नहीं खरीद पाई कुछ भी, अभी तक कुछ नहीं खरीदी। आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई 10, 13-14 को शायद करो, तो अब इसमें कुछ भी मैं नहीं खरीद पाई हूँ सामान। खैर कोई नहीं, उसमें मुझे सामान की कोई नहीं पड़ी है। हम लोग हमारे घर में चोर आया, हम लोग ठीक ठाक सही सलामत रह गए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं किया, मेरे लिए यही बड़ी बात है, मुझे उसकी कोई वो नहीं है। आजकल तो आप लोग जान ही रहे किडनैपिंग हो रहे हैं, बच्चों को चोर उठा उठा के ले जा रहे। मेरा अमन भी यहीं सोया था, हम लोग तो गहरी नींद में थे, हम लोग को पता नहीं था, क्या पता वो चोर का वो होता तो क्या पता मेरे अमन को भी उठा ले जाता, तो मुझे कोई वो नहीं था। फिर भी तो इस बार मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी। उसके पापा मुझे दे के गए 500 रुपये, बोल रहे थे 550 रुपये में खरीद लियो, उसमें करवा चौथ का सारा सामान खरीद लियो, 500 रुपये में शॉपिंग हो रही है, क्या करे पैसे ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। अब मैं भी कुछ नहीं खरीदूंगी इस बार, जाऊंगी थोड़ा वो चूड़ी उड़ी नहीं है चूड़ी ले लूंगी, पायल भी नहीं है नाक में का, नहीं है नाक कान में का, यही फैंसी ले लूंगी, नाक में का सोने का तो चुरा लेगा कुत्ता चोर, मरेंगे मरेगा कीड़ी पड़ेगी उसे, और थोड़ा बहुत और 500 रुपये में वैसे भी इतना महंगा होगा कि 100-200 की तो चूड़ियाँ ही आएंगी। फेस्टिवल में तो आप लोग जानते हैं कितनी महंगाई कर देते हैं ये लोग, और भी फिर करवे लेने पड़ेंगे और भी बहुत सामान लेना पड़ेगा, तो इस बार मैं कुछ नहीं खरीद सकती, इस बार हम लोग के हाथ तंगी है। तो इस मैं करवा चौथ की वीडियो की ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। मैं हम लोगों की सिंपल सा ही होगा इस बार तो, क्योंकि पैसे से है नहीं, जो है पहले का सामान उसी में ही मैं सब करूँगी। तो ओके बाय फ्रेंड, अब मैं जाऊँ अब खाना बना। तो ओके गाइस वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार कोई वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय।